Welcome to Yogic and Modern Science. Today we will be talking about the process of creation. As you all know, whatever we are talking, it is based upon three basic principles. There are three basic principles. One is Paramatma, second is what we call Prakriti, the third is so many innumerable number of jivatmas. These are the three main principles. Now, in this three main principles, Paramatma, Prakriti and jivatmas, there is no process of creation. Okay, they are capable to create something, but in this system there is no creation taking place. Now, after this system, how creation can take place, how things take a particular shape and comes into being, okay, that we'll be talking about. Sharmaji, what is the standpoint of yogic science in understanding of the creation taking place out of these three principles, Paramatma, Prakriti and Jivatma? ये जो तीन system है, इस system में क्या है कि creation हो नहीं रहा है, पर इस system से creation होता है। जी जी, इसमें ऐसा है कि जब starting में बिल्कुल जहाँ पर किसी तरीके का कोई चीज बन नहीं रही है, वहाँ पर एक formula बना हुआ है। तो फार्मूला अपने में बना हुआ है, जिसे हमने पहले से बोला था कि जिसे आप प्रकृति बोले हम उसे आत्मा बोल रहे हैं। तो जीव आत्मा और आत्मा और परमात्मा, ये जो जहां पर आत्मा है जो प्राकृतिक जिसे आपने कहा, यहां पर जो नाना प्रकार के अंडे के अंदर नाना प्रकार के जीव आत्मा के आकार के आकार हैं। तो जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा अपने में एक जो पहले हमने अपने कह चुका था कि वो फूलती है, सिकुड़ती है, और जब फूलती है तो धीरे धीरे जाती है, और जब सिकुड़ती है तो झटका लेके सिकुड़ती है। तो ये एक सिद्धांत है उसका, और ये सिद्धांत यहाँ पूरी प्राकृतिक में भी लागू है और पूरे ब्रह्मांड में भी ये चीज लागू है कि जब कोई चीज डेवलप होती है, बनती है, तो वो धीरे धीरे बनती है, मगर जब वो खत्म होती है तो झटके में खत्म हो जाती है। ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत अगर आत्मा में हम अंडे में देखें तो उसमें छोटे छोटे जीव आत्मा के आकार के चतुर्भुजाकार जो हैं वो छोटे छोटे उसके अंदर बहुत सारे हैं, और वो जब जाते तो हैं उसके अंदर साकार में स्लो, अब मगर जब निकलते हैं तो वो बड़े व्याकुल होकर के उस वक्त निकलते हैं। तो वहां पर भी वो प्रक्रिया पहली वाली ही अपना रहे हैं, मगर अभी यहाँ पर ये सिर्फ दो पोजीशन है। तीसरी पोजीशन जो है उसकी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो उसकी ऊपर पोजीशन है। वो उस अंडे को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत देती है, जिसमें चार एक मूलभूत सिद्धांत देती है। जो उसके मूलभूत सिद्धांत उसके ये हैं कि एक वो अंडे के सामने से जब गुजरती है तो वो एक पॉजिटिव लेकर के चलती है, ऊपर जाती है तो पीछे बैक में चली जाती है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव जो उसके ध्रुवीकरण है, ये उसकी चिपकने की, जो आपस में किसी अंडे को अन्य अंडे के साथ में वो चिपक सकते हैं, रह सकते हैं, अगर वो अपनी सही पोजिशन पे है। और दूसरी वो चीज जो परमात्मा है वो ये चीज बना के दे रहा है, वो ऊपर इस्टेब्लिश है, रुका हुआ है, जब वो नीचे गिरता है तो वो गिरने की वजह से जब वहां से गिर जाता है बिल्कुल नीचे, वहां से वो अपनी गति को उठाता है तो वो एक केंद्र बनाता है, वहां एक सेंटर बनाता है नीचे। तो नीचे जहां सेंटर बनाता है वो एक चुंबकीय सिस्टम का केंद्र है, जहां पर चुंबक बड़ी मात्रा में है, केंद्र में एक चुंबक बड़ी मात्रा में होती है। जब वो ऊपर रहता है, जब दूर चला जाता है तो व्यापक में वो चुंबक की असर वहां पर उसका कम होता है। इसलिए वो ये दो चीजें जो है उन्हें दो चीजें बनाई हैं, जिससे चार चीजें उत्पन्न हुई हैं कि एक नेगेटिव पॉजिटिव, और उसका एक केंद्र बना के उसने दिया, और एक उसका
चुंबक सिस्टम था जो उसे खींचने की ताकत थी, और उसने खींचने की और फेंकने की दोनों ताकत थी, और इधर थी चिपकने की और फेंकने की, दूर रहने की। तो ये जो दोनों ताकत उसने जो दी हैं, एक अंडे को दी हैं, अंडे को जो इसने सारी पद्धति बना के दी है परमात्मा ने, और इसमें अपनी उसने पूरी ताकत झोंक दी है गति की, और गति से शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है वहाँ प्रकाश होता है, क्योंकि वो तेज गति में एक प्रकाश पैदा होता है, किसी भी चीज में तेज गति में प्रकाश। तो ये उसकी अपनी उसने शक्ति भी उसको दी है कि ये तुम काम करो, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो उसके साथ रहता है। तो वो हर अंडे में उसके साथ है, हर प्राकृतिक में, उस जो प्राकृतिक यहाँ ब्रह्मांड में दिखाई देती है, चाहे वो दृश्यवान है चाहे वो अदृश्यवान है, सभी के अपने आकार हैं। जो आकार हैं वो आकार के अंतर्गत ही डेवलप होते हैं। निराकार जाए हो, अगर निराकार से कुछ चीज साकार में आनी है तो वो एक आकार में ही आएगी। तो आकार जो है ये घटते और बढ़ते, इनके घटने बढ़ने की इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि किसी यंत्र से कोई ये नाप नहीं सकता कि ये छोटा सा बच्चा ये कैसे, कब और कितना बड़ा हो गया। तो जो बड़े होने की उसकी पद्धति है बहुत सूक्ष्म है, वैसे उसको नापा जा सकता है, अगर हमारी दृष्टि से नापा जा सकता है, अगर हम उसके आकार के, परमात्मा के आकार की को देखें कि इतनी देर में इतनी एक आकार इतने टाइम में या इतने समय में वो लेता है, इतना समय लेता है, तो उससे नापा जा सकता है इस चीज को। तो ये उन तीनों की एक पद्धति है। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव और जो चुंबकीय सिस्टम से ये दूसरे अंडे, क्योंकि उसके अंदर एक अंडे के अंदर बहुत सारे जब जीव हैं तो अनेक हुआ है, तो इसलिए अनेक अंडे होने चाहिए। तो अनेक अंडे जब प्राकृतिक में इसी टाइप के होते हैं तो अनेक अंडों को एक साथ जुड़ने का, एक तरफ जुड़ने का या उनके अपोजिट रहने का, ये बहुत सारे इनके प्रकार हैं। और ये जो गति की वजह से इनमें बहुत सारे नाना प्रकार है, वो नाना प्रकार की वजह से ये पूरी पूरे ब्रह्मांड के अंदर की चीज सब नाना प्रकार है। तो हम ब्रह्मांड के अंदर में इन्हीं की खोज कर रहे हैं, मगर हम ब्रह्मांड के बाहर जो गतिमान है उस पर कभी ना साइंस पहुंच सकती है, वहां पर देखा जा सकता, बस देखा सुना जा सकता है कि ये ऐसी गति वहां पर ब्रह्मांड के बाहर है। तो हम कोई चीज ब्रह्मांड के अंदर खोज कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बाहर नहीं हम खोज कर रहे हैं। मगर ये अगर अंतर्दृष्टि से ये ब्रह्मांड के बाहर की स्थिति दिखाई देती है, अंतर्दृष्टि से ये दिखाई देती है कि ब्रह्मांड किस तरीके चल रहा है, अंडा किस तरीके से चल रहा है, इसको कंट्रोलिंग क्या है, इस बड़े समूह की कंट्रोल क्या। जब समूह में अगर किसी चीज को निर्माण होने के लिए, यहाँ निर्माण होने के लिए सामूहिक अंडों की जरूरत पड़ेगी, तो जो सामूहिक अंडे हैं जब तक नहीं उस टाइप के आएंगे तब तक आप किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए इसे जो हम जिसे आत्मा बोल रहे हैं, जहां अंडे हैं, उस अंडेकार की जो स्थिति है जो चल रही है, जिसे परमात्मा कंट्रोल कर रहा है, ये प्राकृतिक है, और प्राकृतिक में ये केंद्र है, ये उसका अंडा केंद्र है, इस पे ही सारा आधारित है कि कैसे निर्माण होएगा। और निर्माण की ब्राइटी, निर्माण की अलग अलग तरीके, उनकी ब्राइटी क्वालिटी या बहुत सारी चीज ऐसे सिस्टम है उसमें, वो नाना प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है वही करती है, ये उसका एक सिस्टम है। तो यहाँ निर्माण होने के लिए इन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ केंद्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो केंद्र जो है, केंद्र परमात्मा बना के उस अंडे को दे रहा है, तो इसलिए वो अंडा जो है किसी भी चीज को निर्माण इसलिए बनाना प्रकार कर सकता है क्योंकि परमात्मा उसके उसी लाइन में, सेंट्रल लाइन में लगातार गिर रहा है और उठ रहा है। तो इससे उसकी ब्राइटी वो कितनी भी बना सकता है, उसके बाद ब्राइटियों की कमी नहीं है कि वो कितने प्रकार का जगत बना सकता है, कितने प्रकार का ब्रह्मांड बना। और सभी के अपने अपने, जैसे हमारा एक आकार है ऐसे एक निराकार में भी आकार है, आकार सभी है। आकार के विषय पर अभी तक शास्त्र भी चुप है और साइंस भी आकार पे भी चुप है। तो आकार पे नहीं बात करते अभी, तो साकार निराकार पर और क्रिएटिक पे इस पे सारे लगे हुए हैं, तो इस पे सब बात करते हैं। आकार बहुत बारीकी प्रक्रिया है जो किसी दो चीज को डिवाइड करती है,
तो आकार परमात्मा का विषय है, तो इस विषय पे जो है आप थोड़ा समझाएं कि किस तरीके से आप अपना संदेश दें और स्पष्ट करें कि किस तरीके की ये प्रक्रिया जो है ये क्रिएटिंग की योगिक साइंस में कही गई है। जो योगिक साइंस है वो एक एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, और जो ये आपके मॉडल साइंस है ये एक साइंस की तरह से लिया गया है, तो इसका इसको आप किस तरीके से साइंस इसको देखती है, जो अभी तक खोजना बड़ा मुश्किल है। हमने साइंस तो आगे कर रहे हैं, हम बहुत पीछे की बात बता रहे हैं कि ये पीछे का फार्मूला है और ये उसकी बहुत सूक्ष्म चीज हम बोल रहे हैं, तो बाकी ये अंदर में दिखाई देती रहती है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। What I infer from what Sharma ji has said, you see there are three basic principles. Okay, one is Paramatma or the energy of consciousness. The second principle is Prakriti, the primordial matter, and the third is multiple jivatmas in that Prakriti. These are the three principles. Now, there is one property of Jivatma, the property of expansion and contraction. The Jivatma expands very slowly and suddenly it contracts. So, this property is possessed by all the Jivatmas. And due to this property, it takes shape or it gets into the creation. Now, how does creation take place? In the Prakriti, there are so many particles and the particles are polarized. On one side they are negatively charged, on the other side they are positively charged. And when creation takes place, with the help of the speed of consciousness, they can take multiple shapes, multiple combinations and permutations of the particles. When particles get concentrated at one place or they are together, they take on a particular shape, right? So this is called the expansion of the Jivatmas. And when Jivatma suddenly contracts, then all the particles get separated. They exist as their own. They are not together. When they are together, they are in creation. We can say when so many types of particles get together, they form a particular type of organism. And when it contracts suddenly, all the particles, individual particles, they get separated. And this is how creation and destruction takes place in the whole Prakriti. Thank you.